नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के कन्नौज के काली नदी तट पर ग्राम इंदुयागंज में चल रही शिव कथा में आचार्य संत निराला जी महाराज ने भक्तों को भगवान शिव की कथा के साथ ही उनकर महिमा सुनाई। कहा कि सावन मास में शिव की पूजा ज्यादा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण शिव पार्वती विवाह की कथा का मार्मिक वर्णन सुनाया। शिव ने तेज गंगा में छोड़ दिया, गंगा भी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर शिव तेज छोड़ दिया, उसी तेज से दिव्य बालक ने जन्म लिया। छिपकाओं ने उस बालक को एक साथ दूध पिलाने का संकल्प लिया। उसी बालक ने अपने छिमुख बनाकर टिकाओं का दूध पिया, जिससे षडानन नाम मिला। टिकाओं ने दूध पिलाया, इसलिए स्वामी कार्तिक ने नाम पड़ा। शिव पार्वती ने अपने महल से गजानन श्री गणेश को प्रकट किया। कहा कि श्रावण महीने में भक्ति द्वारा शिव चरण करने से समस्त रोग समाप्त होते हैं। अंत करण पवित्र होने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा प्राणी स्वस्थ प्रसन्न प्रतिभाशाली बनता है। सफल कामना की पूर्ति श्री मन कामेश्वर महादेव की कृपा से संभव है। कथा में संयोजक बाएं जगत स्वरूप ब्रह्मचारी बाएं संत निराला जी महाराज। रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह। अनुमान है 250-300 वर्ष हो गए हैं, हमें यहाँ लगभग 40 वर्ष हो गए हैं यहाँ रहते। जिस जो चाहता मनोकामना उसकी सिद्धि होती, ये मन कामेश्वर नाथ के नाम से मंदिर जाना जाता है। पंडित जी बताइए कि इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता यह है जो मन की कामनाएं हैं पूर्ण करते, वो घंटा या जो भी अपना प्रसाद बांट ले आते बांटते। शिवलिंग कैसा है? शिवलिंग तो हमें सबसे बड़ी बात है, सावन भक्ति प्रधान महीना होता है, तो सावन में आसक्ति से उपराम होना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और जो भगवान की भक्ति में जाते हैं वो शक्ति का सदुपयोग कर लेते हैं, और जहाँ शक्ति का सदुपयोग होता है वहाँ शांति मिलती है। ये जो वर्षा होती है वो भक्ति की प्रतीक है, और भक्त हैं वो धान की खेती समझ लीजिएगा। तो जो भगवान के नाम को लेकर के अपने तन को पवित्र बना लेते हैं, इसलिए सब महीनों में भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय लगता है। भक्ति होना चाहिए, ईर्ष्या कपट द्वंद विकारों इनसे दूर रहने के लिए, भक्ति की धारा में अवगाहन करने के लिए ये सावन महीना भगवान शिव हमको आपको देते हैं।